हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी। मैं हूँ प्रोफेसर रेनू। आज मैं आपके लिए काफ़ी लेटेस्ट नई वैकेंसी इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन है और आपके काफ़ी बेनिफिट के लिए है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, टाइम पे आपको फॉर्म फिल करना है। और ये स्मार्ट नौकरी आपके लिए काफ़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जितने भी गवर्नमेंट की सारे वैकेंसी निकलती है, ये स्मार्ट नौकरी चैनल आपके लिए फर्स्ट टू फर्स्ट इन्फॉर्मेशन लेके आता है एंड कोशिश करता है कि पहले तक आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके। तो प्लीज़ आप लोग, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जितने भी सारे इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो आपके गवर्नमेंट के एग्ज़ाम के लेटेस्ट वैकेंसी हो, प्लस एडमिट कार्ड होते हैं, बहुत सारे रिजल्ट्स होते हैं एंड एग्ज़ाम को क्रैक कैसे करना, एडवाइस, सजेशन, एवरीथिंग ये स्मार्ट नौकरी चैनल आपके लिए प्रोवाइड करता है। सारे इन्फॉर्मेशन ये आपको देता है। तो प्लीज़ अगर आपको सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं यहाँ पे मेन इन्फॉर्मेशन पे कि वो कौन सी वैकेंसी है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको ऑन टाइम है, कब आपको ये फॉर्म को फिल करना है, क्या इसका एग्ज़ाम का डेट है। तो ये हम सारी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इंडियन एयरफोर्स, यह है इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायु सेना, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आप देख लीजिए, बहुत मतलब बहुत सारे यहाँ पे बॉयज़ स्पेशली काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं इसमें एयरफोर्स वाले में जाने के लिए। तो एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स की जितनी भी सारी वैकेंसी थी, काफ़ी बहुत अच्छी वैकेंसी होती है। यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द पर्सन इस वैकेंसी का काफ़ी इंतज़ार करते रहते हैं, कब आर्मी का, सोल्जर्स का एंड कॉन्स्टेबल का, ये सारी पोस्ट कब निकले, क्योंकि इसके लिए बहुत पर्सन यहाँ पे जिसकी हाइट, बॉडी, सारी पर्सनालिटी यहाँ पे अच्छी होती है, वो लोग काफ़ी यहाँ पे इंतज़ार करते रहते हैं कि अब कब इसका गवर्नमेंट का कोई पोस्ट निकले कि हम उसके लिए फॉर्म यहाँ पे फिल कर सकें। तो देखा जाए तो आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है, आप काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। मैं चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग ऑन डेट पे आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ ग्रुप्स दिया है, एस ग्रुप, वाई ग्रुप, एएमएन रिक्रूटमेंट ऑनलाइन फॉर्म 2020, ठीक है। मतलब नए साल में एक नई वैकेंसी आपके लिए यहाँ पे आया है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। अब चलते हैं इसके फुल डिटेल्स पे कि आपके फॉर्म भरने का डेट क्या है, एग्ज़ाम का डेट क्या है, क्या फ़ीस है, क्या एलिजिबिलिटी है, सारी चीज़ें यहाँ पे जानते हैं। तो आप देख सकते हैं नोटिफाइड इशूड 11/12/2019, मतलब ये आज की डेट को ये नोटिफाइड इशू स्टार्ट हुआ है यहाँ पे। जैसे बोलते हैं ना, कोई भी चीज़ अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई मैसेज है जो आज स्टार्ट हुआ है, तो ये आज नोटिस यहाँ पे स्टार्ट हुआ, आज 11 है। तो इस तरीके से यहाँ पे अप्लीकेशन बिगेन, सॉरी ये कल स्टार्ट था, कल 11, आज 12 है। तो अब अप्लीकेशन बिगेन का मतलब है 2 जैन, 2 जैन को आपका ये फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। 2 जैन मतलब नए साल के दिन आपका ये फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। आपको ये 2 जैन से आपका जो फॉर्म का मतलब फॉर्म के पेजेस होते हैं वो अप्लाई ऑनलाइन पे वहाँ पे आ जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। लास्ट डेट यहाँ पे है 20 जैन, मतलब 2 जैन को स्टार्ट होगा और 20 जैन को ख़त्म हो जाएगा लास्ट डेट आपका फॉर्म। तो मैं चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग के पास जैसे टाइम हो, 3rd या 4th या 5th जून तक, जैन तक, आप क्या कीजिए, फॉर्म को भर दीजिए, ठीक है। 20 तक का इंतज़ार आपको नहीं करना है। एग्ज़ाम हेल्ड ऑन, एग्ज़ाम देखो कब रखा गया है, 19 से 23 मार्च 2020। एडमिट कार्ड आपका मार्च में आ जाएगा। अगर जब 19 से एग्ज़ाम है आपका, तो आपका एडमिट कार्ड यहाँ पे 10 या 12 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि एडमिट कार्ड जो गवर्नमेंट का होता है वो 1 वीक बिफोर ही आ जाता है यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड। रिजल्ट का डेट नहीं बताया है, तो मैं आपको बता देती हूँ, एग्ज़ाम के 1 मंथ बाद आपके रिजल्ट्स आते हैं आर्मी वालों का, तो मार्च में यहाँ पे है, तो उसके नेक्स्ट मंथ में आपका यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी 2nd एग्ज़ाम हेल्ड ऑन फेज 2nd, अभी तो नोटिफाइड सुन, ऑब्वियसली जब 1st ख़त्म होगा तभी उसका 2nd फेज का डेट दिया जाएगा। तो अभी 2nd फेज का यहाँ पे नोटिफाइड सुन बता रहा है, मतलब ये बाद में बताया जाएगा आपको, इसका एडमिट कार्ड भी आपको बाद में बताया जाएगा। अभी ये 1st फेज को आपको क्रैक करना है, ये 1st स्टेज है जो आपको यहाँ पे क्रैक करना है। इसके फीस के बारे में यहाँ पे जानते हैं कि इसकी फ़ीस क्या है, यहाँ पे 250 रुपीज़ है।
ओबीसी जनरल का, एससी एसटी का भी 250 है, और किस तरीके से आप एग्ज़ाम फी कर सकते हो, तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये सब रिसोर्स से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, फीस पे कर सकते हो। चलते हैं एलिजिबिलिटी, आप ये सब चीज़ें यहाँ पे पढ़ लीजिए खुद से। आप सबको पता है चाहे आर्मी हो, एयरफोर्स है, ये सब में आपको हाइट बॉडी कितना क्या चाहिए वो डिटेल्स यहाँ पे दिया गया, एज लिमिट वगैरह, फिजिकल एलिजिबिलिटी कितना होना चाहिए, हाइट वेट कितना होना चाहिए, सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स दिया है, आप यहाँ से पढ़ लीजिए। दो ग्रुप है, एक्स है एक वाई है, तो अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा और भी नीचे यहाँ पे टेक्निकली एलिजिबिलिटी, ये भी आप अच्छे से प्रॉपर यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी पूरा बोलना करना में ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, मुझे वीडियो बहुत लॉन्ग तक नहीं लेके जाना है। तो आपने देख लिया है सारी इन्फॉर्मेशंस, ओके। अब चलते हैं यहाँ पे, मैं आपको साइट का थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देती हूँ। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन, ये देखो यहाँ पे क्या दिया, लिंक एक्टिवेट ऑन 2nd Jan। जब आपको 2nd Jan का फॉर्म भरना स्टार्ट होगा तब यहाँ पे आपको लाएगा लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन, पर अभी लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन नहीं आया है क्योंकि फॉर्म भरने का डेट स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन, जब आप क्लिक हियर करोगे तो जो भी आपके इस जॉब के लेके सारे जो भी नए नए नोटिफिकेशन कुछ भी इन्फॉर्मेशन रहेगा वो यहाँ पे अवेलेबल होता रहेगा। ऑफिशियल वेबसाइट भी दिया गया है, अच्छे तरीके से आप देख सकते हो, कोई नोटिफिकेशन हर चीज़ वहाँ से जाके देख सकते हो। तो मैंने सारा डिटेल्स आपको ये जॉब को लेके दे दिया है, एक बार एलिजिबिलिटी वापस फिर से आप देख लीजिए, क्योंकि एलिजिबिलिटी बहुत ही मैटर करता है, क्योंकि आर्मी की जॉब है, आर्मी की जॉब में अगर यहाँ पे कम, जैसे यहाँ पे देखो 150 2.5 दिया है, ठीक है, 150 2.5, अगर इसमें दो भी कम होता है, ये पाँच भी कम होता है, अगर आपका 150.4 भी रहेगा तो भी आपको नहीं लिया जाएगा वहाँ पे, इसलिए ये एक्यूरेसी दिया गया है नंबर, तो इतनी हाइट बॉडी परफेक्ट आपका होना चाहिए तभी आपको वहाँ का सिलेक्शन होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया, डिटेल्स हर चीज़ यहाँ पे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नया इन्फॉर्मेशन, एक नया एडवाइस और एक नया सजेशन के साथ में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।